यहाँ नाग देखा गया है। बहुत अंधेरा है रूम में, लाइट का व्यवस्था करना पड़ेगा। देखने के लिए क्या है, लाइट लाइट जलाएंगे, देखना लाइट जलवाना है। साफ सुथरा तो घर है पर कुछ सामान है थोड़े बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं है। इधर से हटाने में इजी होगा तो इधर का पहले हटा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। एक तरफ कर लेते हैं कुछ सामान, ये सब गाय के सामान है शायद। इधर से तो कुछ उस कोने में है, बहुत मैक्सिमम साइज का कोबरा जो छत्तीसगढ़ में बहुत रेयर पाया जाता है और इससे बड़ा शायद नहीं होता है। एक बहुत रोमांचक पल है क्योंकि जब भी कोबरा सामना करो तो मौत के सामना करने जैसा होता है। तो देखते हैं कैसे होता है। उस कोने में है, उस कोने में बैठा है। इधर 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 से बिग साइज का कोबरा, हल्का सफेद जालीदार, एक मैक्सिमम साइज है छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले कोबरे की। और तंदुरुस्त एकदम चमकीला, थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। अभी और जगह बना लेते हैं। मोबाइल लाइट दिखाना है मोबाइल से अगर है तो। फुल साइज का कोबरा देखते हैं कैसे हैंडल होता है। बॉडी कहीं फंसा लेगा तो निकालना मुश्किल होगा। बहुत ताकतवर बॉडी, इतनी मोटी है कि काफी ताकत है इसमें। थोड़ा शांत हो तो ये हैंडल करते बने। पृथ्वी का सबसे खूबसूरत रेप्टाइल्स है।
ये है सबसे ब्यूटीफुल स्नैक। मैं कोशिश करता हूँ आपको इसके जहर के टीथ दिखाने के। ये ऐसा मुड़ा रहता है अंदर की ओर, ये दांत अभी नहीं दिख रहा है लेकिन जब काटता है तो ये ऐसे करके खुल जाते हैं इस तरह से। ये ऐसे दिख नहीं रहे उतने अच्छे से, पर ये देखिए ऐसे करके बाहर निकल जाता है। करीब दो सेंटीमीटर की दूरी पर रहते हैं दोनों दांत, इसके नीचे कोई दांत नहीं रहते, सिर्फ इसके ये दो दांत रहते हैं, एक और दो बस, इसके अलावा और कुछ नहीं रहते। चलो इसको खुले में चलते हैं और आपको जानकारी मुहैया कराते हैं इसका, इसके बारे में। पूरी ताकत से मेरे हाथ को पकड़ा है। ये 4.5-4 फीट के आसपास का स्नैक है। इसकी जालीदार पहचान है क्यों, ये सब दानेदार, कहीं ब्लैक, कहीं गहुआ कलर के और कहीं थोड़े वाइट पन ऐसे लिए हुए। हल्का से चोट लगा नीचे की ओर, वन टू थ्री। Thank you.